किसान साथियों, 1 जून तो शुरू होया मानसून का सीजन जिहड़ा कि आम तौर पर 30 सितंबर तक चलता है, अपने आखिरी दौर दे विच गुजर रहा है। 6 अक्तूबर 2019 नूं एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिहड़ी कि राजस्थान दे उपर बन रही है, उहदे नाल मानसूनी हवावां पिछे हटनियां शुरू हो जाणगियां। सब तो पहलां कुलदीप सिंह शेरगिल वालों सारे किसान वीरां नूं सति श्री अकाल। आपां गल करदे हां कि इस मानसून दे सीजन दा किस तरीके नाल किहड़े इलाके दे विच किन्नी बारिश होई ते की इहो जिहियां गल्लां सी जिहड़ियां कि नवीआं होईआं। सब तो पहली गल तां इह हैगी है कि इह अपने आप च रिकॉर्ड है कि इस साल मानसूनी हवावां 10 अक्तूबर नूं पिछे मुड़नियां शुरू होणगियां, जिहड़ियां कि 1961 दे विच 1 अक्तूबर नूं ते 2007 दे विच 30 सितंबर लेट टू लेट गईआं। इस साल एक नवां रिकॉर्ड बणिआ है ते अलग अलग इलाकियां दे विच अलग अलग तरीके दी बारिश होई है। इहे ही एक पहला साल है एक सदी बाद जदों कि सितंबर महीने दे विच इन्नी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जेकर आपां इह देखिए कि स्टेट वाइज किस तरीके का मौसम रहा, कित्थे कित्थे किन्नी किन्नी बारिश हुई, तां दोस्तों एक चीज़ इत्थे ध्यान रखण योग है कि कई एजेंसियां ने भविखबाणियां कीतियां सीआं, परंतु सब तो सटीक भविखबाणी जिहड़ी मानसून दे संबंधी सीगी उह भारतीय मौसम विभाग की सीगी। ते भारतीय मौसम विभाग दे ने जिस तरीके दे नाल भविखबाणी कीती सी उसे तरीके दे नाल चलिया। पूरे भारत वर्ष दे विच 968.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि नॉर्मल 880.6 मिलीमीटर हुंदी है, मतलब कि आम नालों 10% ज़्यादा। आप कह सकते हैं कि इस साल 110% बारिश हुई है। जे असीं उत्तर पछम की गल करिए जिथे असीं रह रहे हैं तो इत्थे 586 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिहड़ी कि आम तौर पर 599.5 मिलीमीटर बारिश हुंदी है, आम नालों 2% घट है। सब तो वध बारिश रिकॉर्ड की गई है सेंट्रल इंडिया दे विच। मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि ईरान दे उपर हाई प्रैशर बनन करके जो भी बंगाल की खाड़ी तो सर्कुलेशनस आउंदियां सी वो मध्य भारत वाले पासे नूं चलियां जांदियां सी, जदों कि उन्हां दा रस्ता हिमालिया दे नाल नाल उपर नूं जाणदा सीगा। 1262.8 मिलीमीटर बारिश होई है मध्य भारत दे विच, जिहड़ी कि आम तौर पर 976.6 मिलीमीटर हुंदी है, 29% ज़्यादा बारिश होई है। उत्थे दक्षणी भारत दे विच 840.9 मिलीमीटर बारिश होई है, जिहड़ी कि आम तौर पर उत्थे 726.2 मिलीमीटर बारिश हुंदी है, 16% ज़्यादा होई है। जेकर असी ईस्टर्न स्टेट्स की गल करिए तां उत्थे 1240.7 मिलीमीटर बारिश होई है, जो कि आम नालों 12% घट है, क्योंकि उत्थे 1410.4 मिलीमीटर बारिश हुंदी है। परंतु जेकर ईस्टर्न स्टेट पूर्वी स्टेटां की गल करिए तो उत्थे पिछले कई सालों तो बारिश घट हो रही है। हुण उह चीज़ नहीं रहेगी कि जिस तरह उत्थे 1950 दे विच बारिश हुंदी सी, उस तरीके दे नालों सिस्टम उत्थे बदल चुका है, क्योंकि मौसम विभाग मानसून के जो अंकड़े है 1 जून तो लैके 30 सितंबर तक लेंदा है। तो उस तो बाद दे विच हुण खास तौर पर नॉर्थ वैसट दे विच क्योंकि बारिश का जां मीह की रुत्त खत्म हो चुकी है, 4 रुत्तां आपां जानदे हैं, मीह की रुत्त खत्म हो चुकी है, पछमी हवावां का आगाज़ हो चुका है, जिहदे करके जिहड़ा हैगा पतझड़ रुत्त की शुरुआत हो चुकी है। पतझड़ तो बाद फिर बसंत आएगी, फिर दोबारा जिहड़ा हैगा गर्मी आएगी, गर्मी तो बाद फिर बारिश रुत्त या मीह की रुत्त आएगी जदों सानू मानसून देखण नूं मिलेगा। ओवरऑल भारत देश दे विच बारिश नॉर्मल नालों वध रही है, परंतु कुछ स्टेट्स हैगियां जिथे कि आम नालों घट रही है। सब तो पहला सब तो वध नुकसान हरियाणा ते चंडीगढ़ का, जिथे 444 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए सी
लेकिन 42% घट हो के 258.6 मिलीमीटर घट बारिश उत्थे हुई है। दूसरा घट बारिश हुई है दिल्ली ते पछमी यूपी दे विच, जिथे 721.3 मिलीमीटर बारिश होनी सी लेकिन हुई है 527.4, आम नालों 27% घट। पूर्वी स्टेट्स आए हैं, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। इत्थे जिहड़ा हैगा बारिश 1114.80 मिलीमीटर हुई है, जदों कित्थे 1426.7 मिलीमीटर बारिश हुंदी है, 22% घट है। इस तों अगे चौथे नंबर ते आउंदा जम्मू कश्मीर, क्योंकि ईरान वाले हाई प्रैशर ने इहनूं ज़्यादा प्रभावित किया। इत्थे आम तौर पर बारिश हुंदी है 567.5 मिलीमीटर, परंतु होई किन्नी है 445.8 मिलीमीटर, जिहड़ी कि आम नालों 21% घट है। पंजवा आउंदा हैगा पछमी बंगाल, जिथे कि आम नालों 20% घट बारिश रिकॉर्ड की गई है। जेकर हुण असी अपनी गल करिए पंजाब की, तो पंजाब दे विच आम तौर पर 467.3 मिलीमीटर बारिश हुंदी है, परंतु रिकॉर्ड की गई है 444.3 मिलीमीटर, आम नालों 5% घट बारिश रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल प्रदेश के नाल बड़े ही अलग तरीके की घटना घटी है। एक सिर्फ 2 घंटे के 300 mm बारिश हो जाती है, वह 300 mm बारिश इन्नी को होंगी है कि पंजाब दे विच तबाही उठा देती है। तो कुल मिला के आम नालों 10% बारिश वैसे हिमाचल प्रदेश दे विच घट हुई है। 763.5 मिलीमीटर बारिश होंगी है, जो कि केवल 684.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिन्हों के नॉर्मल मनिया जाता है। पछमी राजस्थान बड़ा ही अलग तरीके का विहार रहा, गंगानगर हनुमानगढ़ बहुत देर तक सुके रहे, टिब्बिया के उत्ते बारिश होंगी रही, कितने हड़ आते रहे। तो कुल मिला के जो पूरे पछमी राजस्थान को देखिए, तो इत्थे बारिश हुई है 315 मिलीमीटर, जिहड़ी कि साधारण बारिश तो 19% ज़्यादा है। तो आम तौर पर इत्थे 265.3 मिलीमीटर बारिश होंगी है। जेकर असी मध्य भारत के उपर निगाह मारीे, आम तौर पर की है कि जो इस जगह के उपर घट वायु दाब का खेत्र बनते हैं, जो सर्कुलेशन बनती है, वह इस तरीके दे नाल पहाड़ों के नाल नाल चल के उपर नूं जांदियां, परंतु ईरान का हाई प्रैशर इस नूं उपर जाण तों रोक रहा सी। ते इन्हां सारिआं दा रस्ता इस तरीके नाल इत्थे आ के खत्म हुंदा सीगा, ते जिहदे करके पूर्वी राजस्थान दे विच 53% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पछमी मध्य प्रदेश दे विच 61% ज़्यादा बारिश हुई है। मध्य प्रदेश दे विच जिहड़ा हैगा पूर्वी मध्य प्रदेश दे विच 25% वध बारिश हुई है। एक बड़ी वड्डी खासियत इस समय रही कि जिहड़े कुछ इलाकियां दे विच देश दे के लगातार पानी की घाट सी, हाहाकार मची हुई सी, स्पैशल ट्रेना जा रही सियां, उन्हां चों बहुते इलाकियां दे विच चंगी बारिश इस साल देखने को मिली है, तो हड़ भी आए हैं। राजस्थान दे विच कोटा का जिहड़ा जो डैम हैगा वह भी ओवरफ्लो हो गया। पहली बार होया बहुत सालों बाद कि साढ़े देश के जिन्हें भी महत्वपूर्ण डैम है सारे दे सारे इस साल फुल है, सारे दे विच काफ़ी सालों बाद जिहड़ा हैगा पूरा जिहड़ा पूरा पानी भरिया गया है। कहण दा मतलब कि यह बारिश इस साल की बहुत ही ज़्यादा वधिया बारिश सीगी। इस तो पहला जेकर तुसी देखोगे, इत्थे मैं एक चीज़ तुहानू होर दसनी चाहुंदा कि सब तो वड्डी प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन सीगी। जेकर मेरा फिरोजपुर जिला हैगा तो वह लगभग 50% घट बारिश रिसीव कर रहा, 45% घट बारिश हो रही है। फाजिलका है, फाजिलका दे विच इस तो भी ज़्यादा घट बारिश हुई है। कहने का मतलब कि कुछ एरिया जिहड़ा हैगा बहुत घट गया, तो जेकर कपूरथला हैगा तो उत्थे बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी। जे बारिश की इंटेंसिटी इस तरह की सीगी कि एक रात के 200 मिलीमीटर तो ज़्यादा जिहड़ा हैगा बठिंडा दे विच बारिश हो जाती है, रूपनगर च हो जाती है, जिहड़ी कि हड़ां का कारण बनती है। कुल मिला के बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन इस साल सही नहीं सीगा। 1994 तो बाद दे विच 2019 दे विच 110% बारिश जिहड़ी हैगी रिसीव की जाती है। दोस्तों पछमी हवावां दा दौर शुरू हो गया, जिहड़ा कि पतझड़ की शुरुआत मनदे हां असीं। टैंपरेचर एक बार डाउन हो गया, मैं ये नहीं कहता कि टैंपरेचर गांह भी डाउन रहेगा, टैंपरेचर अप जाऊगा एक बार, परंतु
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬਲਾਈਟ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਹੁਣ ਪਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀਟ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਨਸੂਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵੀਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।